एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रवण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर। जो महावीर की आत्मदृष्टि आपके जीवन का रूपांतरण होता है, जीवन टोटली बदल जाता है। जिसके लिए जी रहे हैं हमको पता ही नहीं, जीना हमें आता ही नहीं, ना हमें जीना आता है, ना हमें मरना आता है, ना संसार में रहना आता है। हम हंसते हैं, ऊपर की हंसी हंसते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो क्या कहते हैं? आप आ गए, बाहर आ गई। भीतर क्या कहते हैं? सारा प्रोग्राम चेंज कर दिया है इसने, आज पिक्चर जाना था, मजा किरकिरा हो गया। ये डबल दुनिया में जी रहे हैं तो कैसे सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता, ये माया है। महावीर की दृष्टि से ये माया है। अरे तुमने मेहमान को नहीं बुलाना तो कह देना आज समय नहीं है, फिर कभी आना, आज हमारा प्रोग्राम बाहर जाने का है। कह सकते हो? बोलो। जहां अंतो तहां बहा, ये महावीर का धर्म है। मैं नहीं कहता किसी का स्वागत मत करो। यदि ऐसा अर्जेंट कार्यक्रम आ गया, मैं भी तुम्हारे घर में आ जाऊं, कह देना महाराज अभी समय नहीं है, फिर कभी आ जाना। मुझे खुशी होगी कि तुमने सत्य कहा। और जब आते हैं तो बहुत स्वागत होता है। और अंतर में क्या होता है कि कब जाए और मैं अपना कार्यक्रम करूं। एक बात नहीं मैं कह रहा, सबकी यही हाल है। कई बार हमें भी नाटक करना पड़ता है आपकी तरह। मैं अपने आप को अलग नहीं मानता, क्योंकि मैं आत्मा, तुम आत्मा। महावीर ने स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त कर दिया, ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष, एक मनुष्य जारी, मनुष्य जाति एक है। एक मनुष्य अध्यायी किसके लिए कहा? मनुष्य एक है। फिर महावीर कहते हैं पुरुषा परम चक्षु विपरीकम्मा। महावीर ने ना नारी कहते ना पुरुष कहते। पुरुष कौन? पुरुष जो स्वयं का पुरुषार्थ करता है। पुरुष परम चक्षु आचारांग का सूत्र है, दो लाइन का सूत्र है। पुरुषा परम चक्षु विपरीकम्मा। पुरुष कौन सा पुरुष? शक्तिशाली नहीं। कौन सी नारी? सुंदर नहीं। परम चक्षु निर्मल ज्योति वाले पुरुष, तुम्हारी ज्योति, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी दृष्टि निर्मल है, शुद्ध है। आगे कहते हैं विपरिकम्मा, विशेष रूप से पुरुषार्थ करो। आप पुरुषार्थ क्या करना? हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, नहीं करते आप? शरीर को सजाने में देखिए कितनी मेहनत की। मां के गर्भ से बाहर आए तो मां ने दो घूट दूध में पिलाया था, तृप्ति आ जाती थी। आज कितना टनों टन दूध पी गए, मक्खन खा गए, मलाई खा गए, बादाम खा गए। लालो भाई फिर वैसे की वैसे, शरीर वैसे का वैसा, और बूढ़े हो गए, कमजोर हो गया। घी खाया कहां चला गया, दूध पिया कहां गया, मक्खन खीर खाई कहां चला गया। ये शरीर बचपन जवानी और बुढ़ापा आता है, पर आत्मा पर न जन्म है, न बुढ़ापा है, न जवानी है। आत्मा सदा अजर अमर अविनाशी। महावीर ने कहा पुरुष
पुरुष जो आत्मा को जान लेता है। मैं आज बहनों को कहूंगा, तुम नारी को समझ दिया अपने आप को, तुम आत्मा समझो। चाहे आपको मां का रोल अदा करना है, पत्नी का भी करना है, एक बहन को मां का, पत्नी का, पत्नी का, दादी का, कितने रोल अदा करने पड़ते। और मां को इसकी उपमा दी है, पृथ्वी की उपमा मां को दी है, ऐसे पृथ्वी सब सहन कर लेती है, पृथ्वी फिर भी क्या देती है, फल देती है, फूल देती है, रंग देती है, मोती देती है। ये तुम हीरे जो पहन रखे, ये आए कहां से, कहां से आए, बड़े शौक से पहन लेते हैं। ये पृथ्वी मां को खोदा गया, खनन किया गया। कल ही हम साइंस सिटी में गए थे, एक कैरेट आपके जो रिंग है डायमंड, एक कैरेट सॉलिडियर, एक कैरेट का 250 टन भूमि का खनन किया जाता है, उसको विदीर्ण किया जाता है, उसको काटा जाता है, छेदा जाता है, फिर पकाया जाता है, फिर पॉलिशिंग की जाती है, फिर कटिंग की जाती है, तब जाके एक कैरेट अंगूठी में लगा हुआ वो आपका है। कितने जीवों की हिंसा होके ये कैरेट बनता है एक, और तुम बड़ी खुशी से पहनती हो, और ये अंगूठी गिर जाए, अंगूठी को चिंता नहीं होती, किसको होती है, मेरी अंगूठी गिरी रे, गिर गई बाथरूम में, और ढूंढ रही है ड्राइंग रूम में, अंगूठी तो वहीं पड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहता, जैसे डायमंड को कितना तराशना, सहन करना पड़ता है, और तुम खुशी से पहनते हो, तुम सोना खुशी से पहनते हो, पर सोने को कितनी चोट सहन करनी पड़ती है, एक बीज को वृक्ष बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, एक मां को बच्चे को जन्म देने के लिए, धन्य है वो मां जो मां 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है और 25 साल तक बड़ा करती है। इसलिए मां को नमन किया जाता है, तीर्थंकर भगवान भी उस कुक्षी को नमन करते हैं जो कुक्षी तीर्थंकर को जन्म देती है, तीर्थंकर भगवान भी नमन करते हैं आपकी कुक्षी को, पुरुषों को नमन नहीं किया गया। ये मां की सहनशीलता है, ये मां का माधुर्य है, ये प्यार है, ये शक्ति है, वात्सल्य है, करुणा है, मैत्री है, जो नारी जाति में पाई जाती है, सब कुछ है। लाओसो ने कहा था कि पुरुष की शक्ति चट्टान की भांति है, पुरुष कठोर होता है, अकड़ जाता है, ऐसे नारी क्या करती है, प्यार करती है, छाती से लगाती, गले से लगाती, बच्चा रोता है थप्पड़ भी लगा देता है मां पर मां फिर भी दूध पिलाती है। और बच्चा तुमको थप्पड़ लगा दे, तुम कभी बच्चे को पास नहीं आने दोगे, मां फिर भी बच्चे को आंचल में छुपा लेती है, दूध पिलाती है, सब कुछ सहन करती है। धरती में मां हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। मां त्रिशला ने जन्म दिया, मां कुशल्या ने राम को जन्म दिया, सभी तीर्थंकर भगवंतों को देने वाली, जन्म देने वाली माता है। और जो लोग कहते हैं कि स्त्री को मोक्ष नहीं, उनको पता ही नहीं मल्लीनाथ स्त्री थी, उसको मोक्ष हुआ है। 15 प्रकार के सिद्ध होते हैं, उसमें स्त्री लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा, पुरुष लिंग सिद्धा, अंधलिंग सिद्धा, महावीर का तो ये शास्त्र है, परंतु पता नहीं इसके कारण दिगंबर अलग हो गए, चिदंबर अलग हो गए, स्थानकवासी अलग हो गए, तेरापंथी अलग हो गए, धर्म ही नहीं समझा। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे बैठकर अपनी समस्याएं, सभी जो तुम्हारी अंतर की समस्या है, परिवार की है, समाज की है, राष्ट्र की है, देश की है, चिंतन तो करो, विचार तो करो, हम कहां जा रहे हैं। तो पुरुष की शक्ति चट्टान की भांति, और नारी की शक्ति लाओसो ने कहा, जो चीन का बहुत बड़ा दार्शनिक, जलधार की भांति है, जल की धार एक एक बूंद गिरते गिरते पत्थर को तोड़ देती,
चट्टान को तोड़ देती है और पत्थर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्ति में कोमलता है, निर्मलता है, शुद्धता है, पवित्रता है, शुचिता है और एक दूसरे को संभाल लेने की शक्ति है। आपके पास वो शक्ति है। देखिए, मकान बनाते हैं, सीमेंट है, चूना है, सब है, जल ना हो तो क्या होगा? पृथ्वी उपजाऊ है, बीज है, जल नहीं है तो पृथ्वी में बीज पैदा हो सकते? मनुष्य सुंदर है, अंदर जल कम हो गया, क्या होगा? जिंदा रह सकता है? दूध से कीमत ज्यादा किसकी है? दूध ना भी मिले और जल ना मिले तो क्या हो जाए? मक्खन ना मिले, दूध ना मिले, घी ना मिले, रहने को ना मिले, तुम जंगल में गए हो, भटक गए हो, बहुत प्यास है, कंठ तक लगी है और एक व्यक्ति के पास लोटा जल का है, वो कहता है कीमत कितनी कीमत दोगे तुम उस जल को लेने के लिए? जीवन समाप्त हो रहा है, वो कहता है एक जल की कीमत, लोटे की कीमत। एक राजा था, जंगल में गया और प्यास लगी थी बहुत ज्यादा, एक व्यक्ति के पास लोटा पानी का था, राजा की प्यास यहां तक कंठ तक आ गई, बस अब जीवन गया ही गया। व्यक्ति पास में खड़ा है, लोटा है, कहता मैं कीमत लेना चाहता हूं। राजा कहता आधा राजा दे दूंगा। उसने कहता मैं ना दूं फिर क्या करोगे? क्या करेगा वो? कहता पूरा राज्य दे दूंगा, मरना तो है, जल पी के मर जाऊं, राज्य क्या काम आएगा? जल ही नहीं है, मर जाएंगे तो राज्य किसके काम आएगा? एक लोटे जल की कीमत क्या है? पूरा राज्य भी नहीं। इसलिए तुम्हारे पास जो शक्ति है वो बहुत गहरी। मां, बहन, पत्नी, बेटी, पराज, बेटी पर अत्याचार होता है, भ्रूण हत्याएं होती हैं, लिखा होता है, लिंग परीक्षण नहीं होता पर फिर भी होता है, और घर में बेटी का जन्म होता है, मां को अच्छा नहीं लगता, पिता को अच्छा नहीं लगता, बेटी जन्म गई। जैसे बारिश खीर मुझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन का या शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा, आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, अरिहंत आत्मा, सिद्ध आत्मा, पंच परमेष्टि में आत्मा, एक आत्म तत्व सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। अपने भीतर के मान और गहन शून्य का अनुभव कीजिए। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई, एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें
अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोए सब सावनंग। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोए सब सावनंग। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जैनंग, नमो लोए सब सावनंग। ये सपंच नमोकारो सब पावक पनासनो मंगलानंच सब वेसिंग परमंग हवाई मंगलम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पानतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई योगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर उसका सदाई मंगल जैसे बारिश किरम झिम बरसने लगी ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।